पल्लवी, वर्ल्ड नो टोबैको डे का ये दिन इसलिए खास है क्योंकि इस दिन अगर आप चाहें तो अपने तंबाकू की आदत छोड़ने की शपथ ले सकते हैं और हमें बता सकते हैं आपकी शपथ का वो किस्सा जो आप हमसे साझा करना चाहते हैं। इसके लिए आपको ज्यादा कुछ नहीं करना, आप अमर उजाला की ट्री ऑफ लाइफ पेज पर जाइए, शपथ पत्र या ओथ फॉर्म जो वहां पर आपको दिख रहा होगा उसे भर दीजिए, फिल कर दीजिए। अमर उजाला अखबार और amarujala.com इस मुहिम को लेकर सजग है और ये मुहिम है अमर उजाला ट्री ऑफ लाइफ, और अमर उजाला ट्री ऑफ लाइफ के तहत आप अपनी हिस्सेदारी, भागीदारी दर्ज करा सकते हैं। इससे जुड़कर आप अपना सहयोग दे सकते हैं जिसके जरिए आप अपने करीबी दोस्तों या फिर रिश्तेदारों को तंबाकू छोड़ने की अपील कर सकते हैं। इसके लिए आपको अमर उजाला ट्री ऑफ लाइफ की पेज पर जाना है और वहां पर ओथ फॉर्म को भरना है, सबमिट कर देना है। लेकिन क्या आपको पता है कि तंबाकू सेहत के लिए कितना नुकसानदेह है, फिर भी हम इसे छोड़ नहीं पाते। इसी पर खास बातचीत के लिए इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर विक्रम सिंघल जो कि कैंसर विशेषज्ञ हैं। विक्रम जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। डॉक्टर साहब, सबसे पहले हम आपसे यही जानना चाहेंगे कि आखिरकार तंबाकू की लत छूटती क्यों नहीं है। देखिए, सबसे पहले तो धन्यवाद अमर उजाला का मुझे यहाँ बुलाने के लिए। मैं डॉक्टर विक्रम हूँ और मैं कैंसर स्पेशलिस्ट हूँ मेट्रो हॉस्पिटल दिल्ली में। देखिए, तंबाकू में एक्चुअली बहुत सारे कंपोनेंट्स होते हैं, उसमें एक कॉमन कंपोनेंट होता है निकोटीन। तो निकोटीन वो ऐसा कंपोनेंट टबैको के अंदर है दैट इज़ मेनली रिस्पॉन्सिबल फॉर एडिक्शन। तो निकोटीन की वजह से अगर हम टबैको का यूज़ शुरू करते हैं तो एक टाइम के बाद वी गॉट एडिक्टेड टू टोबैको यूज़। तो ये जो एडिक्शन होता है तंबाकू का, क्या ये एक स्पेशल ट्रीटमेंट से ही जाता है या फिर इसके लिए कोई ऐसी दवाई होती है जिसे खाइए और फिर तंबाकू की लत छूट जाती है? क्योंकि कई बार मार्केट में बहुत सी ऐसी चीज़ें मिलती हैं जो कि ये दावा करती हैं कि इसको खाने से आपको तंबाकू की जो लत लगी हुई है वो छूट जाएगी, इसमें कितनी सच्चाई है डॉक्टर? देखिए, सबसे पहले तो हमारा ये जानना जरूरी है कि हम तंबाकू खाते क्यों हैं। जी, ठीक है ना। तंबाकू हम खाते हैं बेसिकली थोड़े से प्लेजर के लिए, थोड़ा सा मेंटल प्लेजर मिलता है। तंबाकू छोड़ने के लिए सबसे जरूरी ये नहीं है कि हम कोई मार्केट में प्रोडक्ट को लें और उसको खाएं, उससे खत्म करें। मेन चीज है कमिटमेंट। हमें सबसे पहले ये सोचना है कि जो चीज हम खा रहे हैं बेसिकली उसका फायदा क्या है और उसके नुकसान कितने हैं। टोबैको, मैं आपको एक छोटी सी बात बोलता हूँ, बहुत सिंपल वार्निंग, टोबैको इज अ डायरेक्ट वे टू डेथ। तंबाकू जो है वो मृत्यु का सीधा रास्ता है। सबसे पहले हमें ये समझना जरूरी है कि जो तंबाकू खाते हैं वो ये समझें कि इसको छोड़ने के लिए वो ये ना सोचें कि दवाई खाएं कैसे छोड़ें। उनको पहले सेल्फ डिटर्मिनेंट होना पड़ेगा कि तंबाकू खाने से ना ही केवल कैंसर, ना केवल कैंसर बल्कि हार्ट, किडनी, लिवर और ब्लड, यहाँ तक कि सारे शरीर के ऑलमोस्ट एवरी पार्ट की बीमारियाँ तंबाकू से होती हैं। तो इसको छोड़ने के लिए सबसे जरूरी है कमिटमेंट। हमें ये सोचना है कि इतना नुकसानदायक है तो हमें नहीं खाना है। सेकंड, अगर आप बात करते हैं कि बाजार में कुछ प्रोडक्ट्स आते हैं, एक्चुअली निकोटीन एडिक्शन होता है तो अगर हम छोड़ना भी चाहें तो उसमें कुछ सिम्टम्स आते हैं जो कि मरीज को परेशान करते हैं। अगर मरीज कमिटेड भी है उसके बाद भी अगर वो कोशिश करता है तो कुछ सिम्टम्स आते हैं, विड्रॉल सिम्टम्स होते हैं। उसके लिए कुछ निकोटीन के सिमुलेटिंग ड्रग्स बाजार में अवेलेबल हैं, वो च्युइंगम फॉर्म में है, निकोटेक्स, आप वो ले सकते हैं। बट मैंने जैसा पहला कहा, सबसे पहले यू शुड बी कमिटेड कि मुझे तंबाकू छोड़ना है, उसके बाद देन यू स्विच ओवर टू दीज ड्रग्स। डॉक्टर विक्रम, एक बात जो कि बेहद जरूरी है सबके समझने के लिए कि जो कम उम्र के लोग होते हैं जिनकी तंबाकू खाने की लत लग जाती है, चाहे वो बच्चे ही क्यों ना हो, अक्सर हम अपने आसपास देखते हैं 18, 19 साल, 17 साल या 14, 15 साल के बच्चे भी तंबाकू का सेवन करते हैं, क्या उनको जो नुकसान होगा और जो बड़े जो कि एडल्ट लोगों को नुकसान होता है उनमें कोई फासला होता है? क्या ऐसा होता है कि जो माइनर्स हैं उनको बहुत ज़्यादा इफेक्ट करता है या फिर जो एडल्ट है उनको कम इफेक्ट करता है? क्या ऐसी चीज़ें होती हैं? देखिए, बेसिकली अगर हम बात करें कैंसर होने की तंबाकू से या कोई भी और भी डिजीज, तो बेसिकली टाइम ऑफ
जितने समय तक आपने उस चीज का सेवन किया है वो समय मेन डिटरमिनेंट होता है कि क्या बीमारी होगी। तो अगर आप अर्ली से शुरू कर रहे हैं, जैसे कि मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, पहले जैसे मुंह का कैंसर है जो तंबाकू से बहुत कॉमन है, पहले जो पेशेंट्स मेरे पास में आते थे या हमारी किताबों में जो लिखा हुआ है, अमूमन 40-50 के ईयर्स में मुंह का कैंसर के पेशेंट आते हैं। बट आज की डेट में मेरे पास आप यकीन नहीं मानेंगे 25-30 साल का पेशेंट भी आ रहा है। तो उसका मैंने जैसा बताया कि कितने समय तक सेवन किया है, जितने लंबे समय तक आप सेवन करेंगे तंबाकू या उसके प्रोडक्ट्स का, उतना ज़्यादा चांस है कि आपको कैंसर या फिर कोई भी और डिसऑर्डर हो सकता है। सेकंड, अगर आप यंग एज में शुरू करते हैं तो ऑब्वियसली बात है यंग एज में आपकी जो मेम्ब्रेन्स होती है, म्यूकोसा होती है, जो भी बॉडी होती है वो इतनी ज़्यादा एकम्प्लिस्ड नहीं होती है, तो ऑब्वियसली बात है कि वो जल्दी सिम्टम्स आपके आते हैं। डॉक्टर विक्रम, महिलाओं में कितना इफेक्ट होगा इसका, अगर जो महिलाएं बेसिकली जो प्रेग्नेंट हैं, जो गर्भवती हैं, उनमें भी टोबैको की आदत देखी जाती है, वो लत देखी जाती है, कुछ लड़कियों में भी टोबैको की लत देखी जाती है, तो क्या ये बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचाता है और किस हद तक नुकसान पहुंचा सकता है औरतों की अगर बात करें तो? देखिए, टोबैको इन द फॉर्म, टोबैको की तीन फॉर्म जो मेनली यूज कर रहे हैं, एक तो ओरल च्यूइंग फॉर्म हो गई, सेकंड पान खाते हैं, और थर्ड जो है स्मोकिंग। तो होता क्या है कि अगर हम स्मोकिंग करते हैं या टोबैको च्यूइंग करते हैं तो डायरेक्ट इफेक्ट जो होता है, फर्स्ट इफेक्ट, वो तो ओरल कैविटी में ही होगा, यानी कि हमारे मुंह में ही होगा, क्योंकि हम मुंह से खा रहे हैं उस चीज को, या स्मोकिंग कर रहे हैं तो मुंह में, गले में या फेफड़ों में ही जाएगा। बट उसके बाद जब वो बॉडी के अंदर आ जाता है तो वो एब्जॉर्ब होके ब्लड में आ जाता है, और ब्लड में आने के बाद फिर वो जहाँ जहाँ ब्लड जा रहा है वहाँ भी जाता है। तो स्मोकिंग से जो और कैंसर्स हैं, जैसे कि बच्चेदानी का कैंसर जो फीमेल्स में कॉमन है, तो स्मोकिंग आल्सो इज आल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर सर्वाइकल कैंसर जो बच्चेदानी का कैंसर है, ब्लैडर कैंसर एंड ओवेरियन कैंसर यानी कि अंडकोश का कैंसर। तो ये तीन कैंसर जो फीमेल्स के हैं, ये तीनों भी टोबैको से इक्वली रिस्पॉन्सिबल है। डॉक्टर विक्रम, जिस ओरल कैंसर की आप बात कर रहे हैं, ओरल कैंसर जो कि टोबैको से होता है, इस ओरल कैंसर के सिम्टम्स क्या हो सकते हैं, कैसे कोई पहचाने कि वो अगर तंबाकू का सेवन लगातार कर रहा है तो उसको कैसे पता चलेगा कि उसको ओरल कैंसर या फिर लंग्स में बीमारियां हो रही हैं? देखिए, ऐसा है कि छाले, मुंह में छाले अमूमन बहुत कॉमन है, हम में से सबको कभी ना कभी किसी ना किसी उस पे छाले मुंह में हो ही जाते हैं। बट होता क्या है, जो छाले हमें नॉर्मली होते हैं वो हमें कब पता लगते हैं, जब हमें दर्द होता है ना, पेन होता है, तो पेन की वजह से हमें लगता है कि मुंह में छाला हो रहा है। बट कैंसर में इसका विपरीत होता है, कैंसर में क्या होता है, हमारे मुंह में छाले होते हैं बट हमें वो दिखते तो है, कभी कभी हमने टूथपेस्ट कर रहे हैं हमें दिख गया छाला है, बट बेसिकली दे आर ऑलमोस्ट ऑलवेज पेनलेस। मैं ये नहीं कह रहा हमेशा पेनलेस होंगे, मे बी पेनफुल हो सकते हैं, बट अगर आपके मुंह के अंदर कोई छाला है जो कि आपको पेन नहीं कर रहा है बट आपको दिखता है, और टाइम के साथ में उसका आकार थोड़ा सा बढ़ रहा है, तो यू शुड ऑलवेज कंसर्न टू योर डॉक्टर, नंबर एक। नंबर दो, कुछ पेशेंट्स में गालों के अंदर की तरफ सफ़ेद रंग की पट्टी पाई जाती है, सफ़ेद रंग की पट्टी, उसको बोलते हैं ल्यूकोप्लेकिया। ये भी एक प्री मलिग्नेंट कंडीशन है, वो आपको बिल्कुल चटक सफ़ेद रंग की पट्टी जो कि अलग से दिखाई पड़ेगी गालों के अंदर। तो अगर ऐसी कोई पट्टी आपके गालों पे या जीभ पे दिखाई पड़े तो आप डॉक्टर से संपर्क करें। नंबर तीन, अगर आपको लाल रंग की चटक लाल रंग की पट्टी गालों पे या जीभ पे दिखाई पड़े, इसको बोलते हैं एरिथ्रोप्लेकिया, ये भी प्री मलिग्नेंट कंडीशन है, तो अपने डॉक्टर से संपर्क करें। नंबर चार, अगर आपको अपने गालों पे सफ़ेद रंग का जाल जैसा आकार दिखाई पड़े, जैसे कि जाला जाल टाइप का बना हुआ है, इसको बोलते हैं लाइकेन प्लैनस, तो ये भी अगर है तो अपने डॉक्टर से संपर्क करें। ये मुंह का कैंसर है। इसके साथ में अगर आपको अपनी आवाज़ में भारीपन दिखाई पड़े, बाकी आपको कोई सिम्टम नहीं, कोई दिक्कत नहीं, यू आर ऑलवेज ऑलमोस्ट राइट, बट आपको लग रहा है कि मेरी आवाज़ अचानक से बैठ गई है और 3-4 महीने हो गए वो एकदम बैठ गई है और आप बोल नहीं पा रहे हैं, तो डॉक्टर से संपर्क करें। ये कॉमन सिम्टम्स हैं। कई दफ़े डॉक्टर ये भी देखने को मिलता है कि कुछ जो थ्रोट इन्फेक्शन की भी शिकायत लोगों को होती है कि गले में किसी तरीके का इन्फेक्शन हो जाता है और वो शख्स तंबाकू का भी सेवन कर रहा होता है, तो क्या ये वो ही सिम्टम्स हो सकते हैं जो आप बता रहे हैं? देखिए, ये थोड़ा सा सीन जो है वो कॉम्प्लिकेटेड सीन है। जब हम MBBS की पढ़ाई करते हैं तो हमारे टीचर्स हमें पढ़ाते हैं कि ऑलवेज हैव अ डायग्नोसिस ऑफ कैंसर एज अ लास्ट डायग्नोसिस। तो ऐसे घबराने की बात नहीं है, है ना, कि कोई भी सिम्टम, अगर कोई टोबैको ले रहा है तो कैंसर हो ही जाएगा,
एक्चुअली सिम्टम्स जो होते हैं वो सारे मिक्स होते हैं जी. है ना, अगर आपको कोई भी थ्रोट में इन्फेक्शन है तो पहले आप अपना लोकल इलाज करें, लोकल डॉक्टर को दिखाएं. बट कोई भी सिम्टम जो दैट लास्ट फॉर मोर देन 6 मंथ, अगर 6 महीने के ऊपर आप ENT डॉक्टर को दिखा रहे हैं आपके थ्रोट का इन्फेक्शन है वो ठीक नहीं हो रहा है, आपकी प्रॉब्लम परसिस्टेंट बनी है या बढ़ रही है, देन यू हैव टू कंसल्ट योर ऑन्कोलॉजिस्ट. अदरवाइज छोटी मोटी दिक्कतें तो रहती हैं, उसमें इतना घबराने का नहीं होता है जी. डॉक्टर विक्रम, एक बहुत ही कॉमन बात जो कि तंबाकू का सेवन करने वाले लोगों में देखी जाती है वो ये कहते हैं कि हम दिन भर में सिर्फ एक सिगरेट पीते हैं, हम एक से ज़्यादा नहीं पीते तो हमें उतना नुकसान नहीं होगा. क्या ये एक मिथ है या फिर बस अपने आप को दिलासा देने का एक तरीका, आप इसे क्या समझते हैं, डॉक्टर के नज़रिए से आपका क्या कहना है इस पूरे मसले पर? देखिए, वैसे तो बीइंग अ डॉक्टर मैं एडवाइस करूँगा कि आप सिगरेट एक भी ना पिए जी. है ना, ऑब्वियस सी बात है कि एक पिए या कितनी भी पिए, बट अगर एक्चुअली आई एम स्पीकिंग टेक्निकली एंड मेडिकली तो ये बात ठीक है. नंबर ऑफ सिगरेट्स इज अ डिपेंडेंट फैक्टर. अगर आप कितनी सिगरेट दिन में पी रहे हैं इस पर बिल्कुल डिपेंड करता है. हम एक इंसिडेंस निकालते हैं कि कितना चांस है कैंसर होने का, तो नंबर ऑफ सिगरेट्स पर डे इनटू नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ सिगरेट स्मोकिंग, उसको मिला के हम पैक ईयर्स निकालते हैं, यानी कि कितने पैक डेली पी रहे हैं और कितने साल तक पिया है. तो ऑब्वियसली बात है, इफ़ यू हैव मोर पैक ईयर्स देन यू आर मोर लायबल टू हैव अ कैंसर. डॉक्टर विक्रम, एक और बात जो कि जाननी बेहद ज़रूरी है, कुछ लोग कहते हैं कि जो सिगरेट होती है वो स्ट्रेस रिलीवर का काम करती है या फिर जो तंबाकू होता है वो स्ट्रेस रिलीवर का काम करता है, क्या ये सही है? देखिए, मैं बहुत छोटी सी बात इसमें यही कहूँगा कि स्ट्रेस रिलीवर का काम जो है वो आपको अपनी कमिटमेंट और अपने इंटरनल बिहेवियर से करना है जी. ये तंबाकू स्ट्रेस रिलीवर है, अल्कोहल स्ट्रेस रिलीवर है, ये सब चीज़ें इर्रिवेलेंट हैं. जो लोग ये बोलते हैं कि हम इसलिए तंबाकू का सेवन कर रहे हैं कि स्ट्रेस रिलीव हो रहा है, तो ये कोई मायने नहीं रखते हैं. हाँ, ये बात मैं मानता हूँ कि कोई भी जो जिस पे नशा है, जैसे कि तंबाकू हो, सिगरेट हो या अल्कोहल हो, ऑब्वियसली बात है कि आप नशे में चले जाएंगे. बट मैं बहुत ही प्रैक्टिकल बात बताता हूँ बीइंग नॉट एज अ डॉक्टर, कि अगर आपको कोई स्ट्रेस है देन यू हैव टू फाइंड अ सॉल्यूशन फॉर दैट. है ना, सिगरेट पी के आप स्ट्रेस तो खत्म नहीं कर रहे हैं, अपने को रिलीफ भले ही कर लें, बट इट इज़ नॉट अ सॉल्यूशन. तो बिल्कुल सिगरेट या फिर तंबाकू का सेवन करना ये किसी तरीके के स्ट्रेस रिलीवर का काम नहीं करता, इसको आपको छोड़ना पड़ेगा क्योंकि कहीं ना कहीं ये आपकी पूरी सेहत को खराब करता है. डॉक्टर, ये जो तमाम बातें आपने बताई, कुछ हद तक लोगों को इस बारे में पता होता है, इवेंचुअली जब वो सिगरेट का एक पैकेट खरीदते हैं तो उस पैकेट के पीछे भी जो तस्वीर बनी होती है माउथ कैंसर की, वो भी लोग देखते हैं, देख कर भी अनदेखा कर देते हैं ये सोच कर कि इतने लोग पीते हैं उनको कुछ नहीं होता. लेकिन सवाल ये डॉक्टर कि ये सब कुछ जानने के बावजूद भी जो लोग सेवन कर रहे हैं वो छोड़ क्यों नहीं पाते? देखिए, मैंने शुरू में ही आपसे एक बात बताई थी जी, इसमें आपको कमिटमेंट चाहिए. ठीक है, सबसे पहले तो हमें इसमें ये देखना है कि व्हाट इज द ट्रिगर जी. उस बंदे ने जो सिगरेट स्मोकिंग शुरू करी है, अल्कोहल लेता है, तो व्हाट इज़ द ट्रिगर, व्हाट इज़ द ट्रिगर बिहाइंड इट. बहुत से लोग जो होते हैं वो केवल शौकिया तौर पे बचपन में जैसे कॉलेज में जाते हैं तो शुरू कर देते हैं. बहुत से लोग जो होते हैं वो स्ट्रेस की वजह से शुरू करते हैं. तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो हमें उसका ट्रिगर सर्च करना है कि वो ट्रिगर क्या है. सेकेंड जो है, हमें उसको बजाय ये दिखाने कि इससे कैंसर होता है इससे नहीं होता, उसको उसकी फैमिली को उसको इतना स्टिमुलेट करना है कि उसको ये समझ में आ जाए कि ये तो डायरेक्ट, मतलब मैं आपको रियलिटी बता रहा हूँ कि इट्स अ डायरेक्ट वे टू डेथ. सिगरेट स्मोकिंग में तो मैं कैंसर की बात नहीं कर रहा, हार्ट डिजीज़, लंग डिजीज़, ल्यूकीमिया, ब्लड कैंसर, हर तरीके से उसमें मतलब कोई मतलब ही नहीं है. तो इसलिए उसको कमिटमेंट सबसे ज़रूरी है कि मुझे छोड़ना है. अदरवाइज दुनिया में कोई ऐसी चीज नहीं है जो कि किसी भी तरीके के नशे को छुड़वा सके. क्या कोई दवाई भी ऐसी नहीं बनी जो टोबैको से छुटकारा दिला दे? नहीं, दवाई का तो मैंने आपको पहले ही बताया कि फर्स्ट इज कमिटमेंट. दवाई तो केवल सिमुलेटर्स होती हैं, जो कि च्युइंगम्स होती हैं, वो आप लेंगे तो आपको हल्का हल्का नशा आएगा, बट बेसिकली वो एडिक्शन कम करेंगी जी. है ना, वो आप ले सकते हैं, बट वो सेकंड है. मैं फिर बता रहा हूँ कि ओनली थिंग इज कमिटमेंट. बिल्कुल डॉक्टर विक्रम, एक और अहम बात है कि ओरल कैंसर होने के चांसेस तंबाकू के सेवन से कितने ज़्यादा होते हैं, लंग इन्फेक्टेड के चांसेस कितने ज़्यादा होते हैं? देखिए, मैं आपको बताता हूँ एक बहुत ही छोटी सी चीज़ जो आपको आसानी से समझ में भी आ जाएगी जी. मैंने सिगरेट स्मोकिंग करा, टोबैको लिया, ठीक है, मुंह में रखा, तो यानी कि हमारी जुबान, हमारे गाल, ठीक है, हमारा गला, ये सब एक्सपोज हो गए, तो सारे कैंसर हो सकते हैं. फिर वो नीचे जब आएगा
तो ये नीचे लैरिंग्स में पहुंचेगा. लैरिंग्स जहाँ से कि हम बोलते हैं, इसका कैंसर बड़ा कॉमन है, लैरिंजियल कैंसर, जहाँ बोलने की ग्रंथि होती है वहाँ पहुंचेगा, वहाँ का कैंसर करेगा. नीचे फेफड़ों में पहुंचेगा, फेफड़ों का कैंसर करेगा. साथ साथ में उसका जो थोड़ा सा रेसिडुअल है वो थूक के साथ में नीचे आना शुरू कर देगा पेट के रास्ते, तो वो खाने की नली का कैंसर करेगा. जब पेट में पहुंचेगा तो पेट का कैंसर करेगा. जब पेट से नीचे पहुंचेगा छोटी आंत बड़ी आंत में तो आंतों को कैंसर करेगा. साथ साथ में जब पेट से अब्सॉर्ब होके खून में आएगा तो खून का कैंसर करेगा, यानी कि ल्यूकीमिया कर सकता है, ब्लड कैंसर. साथ में जब वो किडनी से निकलने की कोशिश करेगा तो किडनी का कैंसर करेगा. यूरिनरी ब्लैडर में आएगा तो ब्लैडर कैंसर करेगा. उसके साथ में नीचे जब आएगा तो पेशाब के रास्ते का कैंसर करेगा. तो ये तो मतलब ये है कि अगर आप टोबैको लेते हैं तो ऑलमोस्ट एवरी पार्ट ऑफ बॉडी गेट इन्वॉल्व. और चांसेस की अगर आप बात करते हैं तो अगर आप टोबैको च्यूइंग करते हैं, जैसे कि अगर आप वेस्टर्न कंट्रीज़ की बात करें तो वहाँ पे टोबैको च्यूइंग नहीं है, वहाँ पे स्मोकिंग ज़्यादा होती है. टोबैको च्यूइंग इंडिया में ज़्यादा, दैट इज़ वाई ओरल कैंसर इज द मोस्ट कॉमन कैंसर इन इंडिया, नॉट इन द वेस्टर्न कंट्रीज, इंडिया में. और जो ओरल जो च्यूइंग टोबैको च्यूइंग करते हैं, ऑलमोस्ट 70-80% जो पेशेंट्स होते हैं, 70-80% च्यूअर्स होते हैं, दे बिकम इफेक्टेड. तो जिस टोबैको च्यूइंग की बात आपने कही है, क्या वो या फिर हम टोबैको को एज अ सिगरेट लेते हैं, इन दोनों में बहुत ज़्यादा फ़र्क है? इन दोनों के इन्फेक्शन में बहुत ज़्यादा फ़र्क है? दोनों के इफेक्ट में बहुत ज़्यादा फ़र्क है? नहीं, फ़र्क ये है कि टोबैको जो हम च्यूइंग करते हैं वो मेनली मुंह का कैंसर ज़्यादा करता है, क्योंकि वो मुंह में लंबे समय तक रहता है. लोग जो हैं वो उसको जीभ के नीचे रखते हैं या फिर गाल के साइड में रखते हैं. अगर हम स्मोक करते हैं तो वो जो स्मोक होती है हमारी, वो डायरेक्टली गोज़ टू लंग्स. तो स्मोकिंग से मेन कैंसर जो होता है वो लंग कैंसर होता है. और ओरल च्यूइंग अगर हम करते हैं देन ओरल कैविटी कैंसर मोस्ट कॉमन है. डॉक्टर विक्रम, लंग्स के अलावा क्या लिवर को भी नुकसान पहुंचा सकता है टोबैको? लिवर को जी, मैंने कहा ना, बिल्कुल. मैंने कहा कि पूरे शरीर में जहाँ भी निकोटीन आपका, ये जितने भी कॉम्पोनेंट्स होते हैं स्मोक के अंदर, टोबैको के अंदर, जब वो ब्लड में आएंगे तो पूरे शरीर में जाएंगे. और जहाँ जहाँ ब्लड जा रहा है, ऑलमोस्ट एवरी पार्ट ऑफ बॉडी विल बी अफेक्टेड बाय दीज. डॉक्टर विक्रम, कैंसर होने की जो मेन वजह होती है वो क्या होता है, अगर हम स्पाइट ऑफ टोबैको बात करें तो? ऐसे में कैंसर की जो मेन वजह होती है वो क्या होती है? कई दफ़े ये भी देखने को मिलता है कि जो टोबैको का सेवन नहीं करते, जो टोबैको च्यूइंग भी नहीं करते या फिर जो सिगरेट भी नहीं पीते, उनको भी मोस्ट ऑफ द टाइम्स कैंसर हो जाते हैं. तो कैंसर का जो मेन रीज़न है वो क्या होता है, क्यों होता है कैंसर? अच्छा, वैसे तो आपने बहुत टेक्निकल क्वेश्चन कर दिया है और इसका आंसर देने के लिए तो मुझे बहुत डीप में जाना पड़ेगा, बट मैं बहुत शॉर्ट में आपको एक चीज़ बताता हूँ. कैंसर को अगर हम कैटेगराइज करें ना, तो तीन तरह की कैटेगरी में कैंसर को हम डिवाइड करेंगे. नंबर वन करेंगे जेनेटिक कैंसर. कुछ कैंसर होते हैं जो जेनेटिक कैंसर होते हैं, यानी कि जीन्स के थ्रू मूव करते हैं और फैमिली हिस्ट्री हमें देखनी होती है कि फैमिली में किसी को कैंसर है तो उसको हमें सॉर्ट आउट करना होता है, वो जीन्स के थ्रू मूव करते हैं. नंबर टू होते हैं प्रिवेंटेबल कॉज ऑफ कैंसर. इसका माने वो कैंसर की एटियोलॉजी जिनको कि अगर हम प्रिवेंट कर सकें तो उस कैंसर से हम बच सकते हैं. तो प्रिवेंटेबल कॉज ऑफ कैंसर के अंदर जो है वो आपका टोबैको च्यूइंग, स्मोकिंग, ऑक्यूपेशनल एक्सपोजर्स, ये सारी चीज़ें हमारी इसके अंदर आती हैं. जेनेटिक कॉज में जैसे मैंने कहा डायरेक्टली जीन इन्वॉल्व होते हैं तो इसका कारण वो होता है. स्मोकिंग और टोबैको से क्या होता है, जब हम मुंह में टोबैको लेते हैं तो दैट कॉजेज इरिटेशन जो हमारी म्यूकस मेम्ब्रेन्स होती है. जैसे कि नहीं केवल टोबैको, ये भी कहा जाता है कि बहुत ज़्यादा मात्रा में स्पाइसेस भी नहीं खानी चाहिए. तो वो जैसे अल्कोहल भी, अल्कोहल इज ऑल्सो कॉजेज सेम थिंग, कि वो दैट कॉजेज इरिटेशन ऑफ म्यूकोजा, जो हमारी अंदर की म्यूकोजा होती है उसकी इरिटेशन करती है. और बार बार इरिटेशन की करने की वजह से साथ में इसके अंदर आर्सेनिक और आपके हाइड्रोकार्बन्स जैसे टॉक्सिक कार्सिनोजन्स होते हैं, जो बार बार इरिटेशन करके उसके डीएनए के अंदर चेंजेस लाना शुरू कर देते हैं, जिस कारण से वहाँ पे अनकंट्रोल्ड ग्रोथ शुरू हो जाती है. तो ये मेन कारण है, जहाँ भी वो सारे टोबैको प्रोडक्ट्स अंदर जाएंगे तो वो सब जगह इरिटेशन करेंगे, वहाँ के डीएनए में कुछ म्यूटेशंस करेंगे, जिस कारण से कैंसर डेवलप होता है. डॉक्टर विक्रम, ओरल कैंसर की अगर हम बात करें तो जो ओरल कैंसर है, कई दफ़े ये भी सुनने को मिलता है कि ओरल कैंसर अगर लास्ट स्टेज में पहुंच जाता है या बहुत ज़्यादा इफेक्ट कर रहा होता है, उस दौरान डॉक्टर्स पूरा हिस्सा काट कर निकाल देते हैं. तो ये बेसिकली जो ओरल कैंसर है वो कौन से स्टेज में अगर हो तो इलाज संभव है और कौन से स्टेज में हो तो इलाज संभव नहीं है?
इस बारे में जरा बताइए प्लीज। देखिए कैंसर कोई सा भी हो, अगर अर्ली स्टेज में डिटेक्ट हो रहा है तो आज की डेट में मेडिकल साइंस ने इतना डेवलपमेंट कर लिया है कि ऑलमोस्ट सारे कैंसर ट्रीटेबल हैं ऑलमोस्ट। बट अगर लेट स्टेज में कोई भी कैंसर अगर डायग्नोज हो रहा है तो वो फिर उसमें प्रॉब्लम आती है। और ओरल कैंसर में जैसे कि अगर आप बोलते हो कि काट के निकाल दिया है, तो काट के निकाल दिया है वो डेट इज़ अ पार्ट ऑफ ट्रीटमेंट, और वो लेट स्टेज में नहीं बल्कि अर्ली स्टेज में भी सर्जरी इज़ अ पार्ट ऑफ ट्रीटमेंट। बहुत से पेशेंट को लगता है कि कैंसर को अगर हम छुएंगे, कोई मुंह में कैंसर है अगर हमने उसकी बायोप्सी करवाई या फिर चीरा लगवाया तो वो फैल जाएगा, बट दिस इज़ अ मिथ, ये गलत है। ठीक है, इट्स अ पार्ट ऑफ ट्रीटमेंट। अगर अर्ली स्टेज में कैंसर है, जैसे कि अगर टेबल पे दीमक लग गई है, तो इट्स बेटर कि आप उस हिस्से को, अगर वो हिस्सा बेकार हो गया, ख़त्म हो गया, इट्स बेटर यू टेक दैट पार्ट अवे। वैसे ही ओरल कैंसर के अंदर अगर आपको लगता है, हमें लगता है कि दैट इज़ सर्जिकली एमिनेबल, वो आराम से निकल सकता है, तो उसको हम निकाल सकते हैं। उसमें अर्ली और लेट स्टेज से कोई संबंध नहीं है। बट अर्ली स्टेज के कैंसर्स, मैंने कहा अगर ओरल कैविटी का भी है तो इट इज़ ऑलमोस्ट ऑलवेज क्योरेबल। डॉक्टर विक्रम, आप उन लोगों को क्या मैसेज देना चाहेंगे अपने ज़रिए जो कि टोबैको खा रहे हैं, तो टोबैको की जो आदत है वो उनकी नहीं जा रही, चाकर भी नहीं छोड़ पाते, और जो छोड़ना चाहते हैं? देखिए मैं तो एक छोटी सी बात यही कहना चाहूँगा कि आप अपनी फैमिली को देखिए, अपने बच्चों को देखिए, कि अगर आप टोबैको च्यूइंग करते हैं तो जितने कैंसर्स मैंने बताए वो सब तो हैं ही हैं, अपार्ट फ्रॉम दिस कार्डियोवास्कुलर डिजीजेस, रीनल फेलियर, ब्लड डिसऑर्डर्स, लिवर डिसऑर्डर्स, किडनी डिसऑर्डर्स, सब कुछ हो रहा है। तो एट द एंड ऑफ डे अभी आपको लग रहा है कि ठीक है कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा, या फिर ये हो सकता है कि अगर आपके पांच फ्रेंड खाते हैं तो सबको ना हो, तो उनको देख के आपको लगे कि यार उसने तो लाइफ लॉन्ग लिया, मुझे उसको नहीं हुआ तो मुझे भी नहीं होगा। बट एवरी केस इज़ डिफरेंट फ्रॉम अदर, जब ह्यूमन बींग जो है, एवरी बींग इज़ डिफरेंट फ्रॉम अदर, तो उसको देख के ना जाएँ, जो हमारा डाटा है उसके अकॉर्डिंग जाएँ। ये सारी प्रॉब्लम्स जो हैं टोबैको च्यूइंग से ऑलमोस्ट 90% पेशेंट्स में आती हैं, इसलिए अपनी फैमिली को देखें, अपने बच्चों को देखें, और अगर आज आपको कुछ नहीं है तो ये ना सोचें, लाइफ अभी बहुत लंबी है, तो आगे अपना फ्यूचर देखें और कमिटेड हों इस चीज़ के लिए कि मुझे छोड़ना ही छोड़ना है, तभी आप ये कर सकते हैं, है ना। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया आपका डॉक्टर विक्रम हमारे साथ जुड़े रहने के लिए, और जाहिर है ये ऐसी जानकारियां हैं जो हमको होनी चाहिए। वाकई अगर आपको टोबैको छोड़ना है, आप तंबाकू छोड़ना चाहते हैं, तो सबसे पहले आपको कमिटेड होना होगा, और कमिटेड होने के लिए आपको ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। अमर उजाला ट्री ऑफ लाइफ के पेज पर जाइए, वहाँ पर ओथ फॉर्म भरिए और इस फॉर्म को सबमिट कीजिए। अगर आपका कोई रिश्तेदार, कोई दोस्त भी टोबैको छोड़ना चाहता है तो आप उसे भी बताइए कि आप इस फॉर्म को भरकर सबमिट करें, क्योंकि इससे आपको देखकर आपके जान पहचान के लोग भी प्रोत्साहित होंगे और वो भी तंबाकू छोड़ देंगे। और जाहिर है आज के दिन यानी वर्ल्ड नो टोबैको डे के दिन आपको प्रण लेने की ज़रूरत है। हमारे खास पेशकश आपके लिए थी, नमस्कार।